गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखते हुए इस पे क्लिक किया होगा, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं इस वीडियो पे इस तरीके की वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करता। मैं ओनली टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। बट जो वीडियो क्रिएट करने का रीज़न है वह ये है कि जो पीएम किसान में आपको कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि ई केवाईसी में आपकी मार्फो मंत्रा स्टार्टिंग मशीन यहाँ पे वर्क नहीं होती। बट यहाँ पे जो मैं कोड यूज करने वाला हूँ उसके थ्रू आपकी जो मंत्रा मार्फो स्टैटिक मशीन है वो यहाँ पे डेफिनेटली वर्क करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके लिए ये आप डेमो के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। सो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डेफिनेटली ये कोड प्लगइन आपके सिस्टम पे वर्क करेगा। सो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं जो भी सेटिंग और जो कोड प्रोवाइड करने वाला हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है, मतलब कि आपको वो समझ आए। सो सबसे पहले तो आपके पास जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसके सबसे पहले ड्राइवर्स इंस्टॉल करो। ड्राइवर्स प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है chrome:// यहाँ पे आपको फ्लैग टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे श्योर करना है कि आपका जो इनसिक्योर लोकल होस्ट है वह इनेबल है या डिजेबल है। तो डिजेबल है तो इसे इनेबल कर लीजिए, क्योंकि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो ब्राउजर पे आपको वर्क करवानी है तो आपको ये लोकल होस्ट इनेबल रखना होगा। सो उसके बाद जो सेटिंग आती है वो आपको करनी है, वो है कोड प्लगइन। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने ऐसा कोड प्लगइन यूज किया है, उसके थ्रू आपकी जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वह यहाँ पे वर्क करेगी। सो उसके लिए आपको codeplugin.in वेबसाइट पे विजिट होना है। सो जैसे कि यहाँ पे मैं विजिट हो चुका हूँ, विजिट होने के बाद यहाँ पे आपको वेलकम टू codeplugin.in इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है और नीचे आपको बायोमेट्रिक एंड इनपुट हेल्पर फॉर मेनी पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि सिक्योजन स्टार्टेक मंत्रा एंड मार्फो, इन सभी डिवाइस में एक कोड प्लगइन वर्क हो जाता है। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है सपोर्टेड वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल रही है। सो आपको इस पे क्लिक करना है। सो इस पे क्लिक करने के बाद आपको पीएम किसान एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिलती है। सो आपको इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम इस पे आपको क्लिक करना है। सो इस पे क्लिक करने के बाद क्रोम वेब स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस codeplugin.in जेनेरिक वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें आपको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। सो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड प्लगइन एडेड हो चुका है। सो ऐड होने के बाद आपको उस पे क्लिक करना है। सो आपको इसे पिन करना है। सबसे पहले तो मैं इसे पिन कर देता हूँ। पिन करने के बाद दोबारा से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सबसे पहले साइन अप करना है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जो भी आपकी बायोमेट्रिक मशीन है उसका आपको यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको पीएम किसान की जो प्लगइन्स है उसके लिए जो प्रीमियम पैक है उसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 1 वीक का यूज करें और उसके बाद आपका 1 वीक कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट करो और दोबारा से आप यही प्रोसेस को फॉलो करो और देन आप इसी तरह रेगुलर आफ्टर 1 वीक ये प्रोसेस करते रहो, मतलब कि आप ये फ्री में यूज कर सकते हैं। जब तक इसमें कोई अपडेट नहीं आता तब तक आप ये फ्री में यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि साइन अप डिटेल में फिल करके यहाँ पे सबमिट करूंगा और फाइनली यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मेरे साइन अप प्रोसेस है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो अभी आपको क्या करना है, ये वेबसाइट क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद आपको ऑफिशियल पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट होना है। यहाँ पे विजिट होने के बाद आपको सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है।
सो यहाँ पे आपको सीएससी का आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन होना है। सो मैं फटाफट से लॉगिन करता हूँ। सो गाइज मैं सीएससी के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको फार्मर का आधार नंबर एंटर करना है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फार्मर का आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। आधार नंबर एंटर हो जाने के बाद आपको फार्मर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। सो मोबाइल नंबर एंटर हो जाने के बाद जो भी फार्मर है उनका मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है। सो वो ओटीपी आपको एंटर करना पड़ता है। दोस्तों मोबाइल वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मोबाइल के थ्रू आपको ये दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, कैप्चर फिंगर पे क्लिक करना है। जैसे आप अपनी थंब यहाँ पे रखोगे, थंब यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही थंब कैप्चर हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रीन थंब यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है, मतलब कि जो केवाईसी की प्रोसेस है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरीके से अब अपने पीएम किसान की ई केवाईसी कर सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से जेन्युइन है और इस मेथड के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।